फिल्म रिलीज हो रही है तो पोस्टर का पापा के साथ करना इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं, अच्छी बात है। और हमने यहाँ पे कान में बोल भी दिया है कि वैसे शो पे तो 1 करोड़ मांगता हूँ मैं, 1 करोड़ देना, आपने 10-10 करोड़ मांगा होगा मुझे पता है। देखिए वो तो अब मेरे और जो आज दूसरा जी उनका पर्सनल मैटर है, वो मैं बताऊंगा नहीं कि मैंने क्या मांगा है, लेकिन हाँ मैं इस पिक्चर की सक्सेस मानता हूँ बिकॉज मनोज शर्मा जी जो इसके डायरेक्टर हैं एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म दे हैव रियली वर्क हार्ड ऑन इट। यार तो सब इंटरव्यू में सब एक्टर लोग यही बोलते हैं बड़ा मेहनत किया है, बड़ा ये किया है, और बाद में जाके पिक्चरों का वाट लग जाती है और या तो कुछ और हो जाता है। लेकिन ये फिल्म मैंने जितनी फिल्म की है मनोज जी ने इसमें बहुत बढ़िया डायरेक्शन किया है और आप सबकी परफॉर्मेंसेस देखना, हमारे सेट के ऊपर ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ पर इनके सीन पे ताली ना बजी हो या राजपाल यादव के सीन पे ताली ना बजी हो या रोहित नांगे शांति जी मैं रजनीश सभी लोग जितने एक्टर्स हैं। मैं मनोज जी को हमेशा कहता था सर रोज़ आपके सेट पे लाइट मैन और जितने वर्कर लोग हैं वो ताली बजाते हैं, मतलब हमारा रोज के कितने अच्छे सीन्स हो रहे हैं एंड ही हैज़ रियली डन अ वेरी गुड जॉब। मैंने शर्मा जी की लगे मनोज जी के साथ की ये भी फिल्म की है एंड आई रियली लव टू वर्क विद हिम बिकॉज बहुत ही जेन्युइन एंड रियली हार्ड वर्किंग और फिल्म का नाम टाइम नहीं है कृष्णा हेमंत भाई शिविका रंजीत सारे स्टार का मैं इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर हमने अच्छे अच्छे फिल्म पे काम किया। एक विषय का जो स्टोरी है मेरे प्रोड्यूसर साहब की थी बड़ी चैलेंजिंग थी लेकिन बड़ी सटायर को मैंने कोशिश करके बनाने की कोशिश करी और मुझे खुशी है आज की शुरुआत हमारे अनेरी का राजा के चरणों में हो रही है तो इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है। ये हमारे एक सिग्नल मिल गया है कि आगे भी हमको बड़ा अच्छा पॉजिटिव नोट मिलेगा और मैं यही कहूँगा कि गणपति सब लोग सफल बनाएं और हमारे प्रयास को अच्छे से बनाएं।